नमस्कार, मैं ज्ञानदेवमणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, हाजीपुर वैशाली बिहार, NIOS के DL.ED कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम अपनी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने पाठ्यक्रम संक्रम 503 के ब्लॉक 3 की इकाई 7 में वर्णित विषय निबंध शिक्षण पर आज बातचीत करेंगे। हमारी आज की बातचीत में विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ शामिल हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से पधारे हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान और अपनी कई कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा करने वाले, साथ ही साथ हिंदी के शिक्षण शास्त्र में के संदर्भ में कई राज्यों में सामग्री लेखन और पाठ्यक्रम विकास में जिनकी महती भूमिका रही है, चाहे वो NCERT हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो, प्रोफेसर निरंजन सहाय जी उसमें बराबर अग्रणी रहे हैं। इस चर्चा में हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ प्रोफेसर निरंजन सहाय जी निबंध शिक्षण पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन निरंजन जी। मैं आग्रह करता हूं निरंजन जी से कि वे हमें निबंध किसे कहते हैं पहले तो इसे समझाएं, इसे बताएं, और उसके सहारे हम फिर हिंदी शिक्षण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल तो आपसे यह है कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निबंध है क्या, निबंध किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया है। यह बहुत ही लोकप्रिय गद्य विधा है निबंध जी, और जितनी लोकप्रिय विधा है उतनी ही अधिक इस बात में दिक्कत होती है कि कोई अध्यापक या अध्यापिका आम तौर पर निबंध की कक्षाएं नहीं लेना चाहता है। सही बात है जी। वह या तो कविता तो बाद में वह सब पाठकों की रुचि होती है कि वह कहानी पढ़ाए। जी जी। विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। कविता पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, काव्यशास्त्र पढ़ाने वाले कम लोग हैं, और निबंध गद्य विधाओं में उसी तरह एक मुश्किल विषय माना जाता है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से समझ बनाना ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो DL.ED के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस चर्चा के बाद वो निबंध शिक्षण को जरूर प्राथमिकता देंगे और जी उसमें उनकी रुचि और जगेगी और बढ़ेगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी अनेक निबंध शामिल होते जी, हैं जी, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। पहले यह समझें कि निबंध कहते किसे जी, जी। भारतीय परंपरा गद्य को कवियों की कसौटी कहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या बात। इस विधा में गद्य का निजी रूप दिखाई पड़ता है। निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, विज्ञान, आलोचना, जीवन मीमांसा, किसी भी विषय पर निबंध लेखन किया जा सकता है। प्रत्येक निबंध लेखक की एक विशिष्ट शैली होती है। हिंदी निबंध लेखन पश्चिम के संपर्क में विशेष तौर पर विकसित हुआ। निबंध को परिभाषित करने के विविध प्रयास हुए हैं। गुलाब राय एक बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने अपनी बहुचर्चित रचना काव्य के रूप में कहा कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। तकरीबन 125 वर्षों के इतिहास में निबंध ने अनेक बेहतरीन रचनाकारों से अपने अभिव्यक्ति संसार का विस्तार किया है। यहाँ गुलाब राय जी की बात करते हुए एक बात की तरफ ज्ञानदेव जी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आमतौर पर हमारे जो ये DL.ED के शिक्षार्थी हैं जी, उनको इस बात की दिक्कत होती है कि वे निबंध और लेख के अंतर को कैसे पहचानें। बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशानी तो स्कूली शिक्षा में निबंध और लेख को लेकर हर जगह व्याप्त है। हाँ, तो इसे समझ लेना चाहिए। लेख में सूचनाएं संकलित होती हैं और बातचीत होती है उन पर, लेकिन निबंध में निजीपन है। जी जी। यानी लेखक का जो निजी संसार है वह उसमें अभिव्यक्त होता है, उसमें निजता की छाप होती है, जबकि लेख में निजता की छाप नहीं होती है।
जो बड़े निबंधकार हैं उन पर उनके नामों की तरफ एक नज़र डालें। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, माधव प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पूर्ण सिंह, गोपाल सिंह गहमरी, अजय रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी, श्री वियोगी हरि, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सियाराम शरण गुप्त, हजैर प्रसाद द्विवेदी, विद्वान न्यास मिश्र, नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, गुणाकर मूल्य, बहुत सारे नाम इसमें जी, जी। गिनाए जा सकते हैं। निबंध अध्यापन से जुड़ी खास बातें क्या हो सकती हैं निरंजन जी? निबंध के अध्यापन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आप हमारे प्रशिक्षुओं को बताना चाहेंगे? सबसे पहले निबंध अध्यापन की जब हम बात करते हैं तो जो पहली बात हमारे सामने नजर आती है वह है निबंध की विषय वस्तु। विषय वस्तु किसी भी विधा का आधार तत्व है। जी जी। निबंध में इसका महत्व और भी ज्यादा है। दरअसल निबंध लिखा इसलिए जाता है कि उसमें विचार भाव विषय का अपनी दृष्टि से प्रतिपादन किया जा सके, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। यहीं पर वो लेख से अलग है। जी। निबंधकार सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों को चुन सकता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित वसंत भागेक के निबंध नौकर को देख सकते हैं। इसके निबंधकार हैं अनुबंधोपाध्याय। यह निबंध गांधी जी के स्वावलंबन और सफाई की आदतों या प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। इसे हम निबंध की विषय वस्तु कह सकते हैं। निबंध अध्यापन के पहले शिक्षक शिक्षिका के लिए यह जानना जरूरी है कि विषय वस्तु क्या है, यानी जिस निबंध के बारे में आप बात करने जा रहे हैं उसमें विषय वस्तु क्या है। उसमें किसी घटना, दृश्य, पात्र आदि का वर्णन है या किसी भाव, विचार या मनोदशा विशेष का। मनोदशा पर भी निबंध लिखे गए हैं, हालांकि प्राथमिक उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे निबंध नहीं शामिल हैं, लेकिन एक सूचनात्मक बात है कि जैसे भाव पर भी लिखे गए, मनोविकार संबंधी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध बहुत जी 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 जी। तो यह जो निजता है या निजीपन है वह किसी घटना, दृश्य और पात्र पर ही नहीं, किसी भाव, विचार या मनोदशा पर भी अवलंबित हो सकता है। निबंध में विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है, इसे समझे। निबंध लेखन कभी कुछ तथ्यों, दृश्यों या व्यापारों का वर्णन कर पाठकों का ज्ञानवर्धन करना चाहता है, कभी भावपूर्ण शैली में विचार या भाव को अपनी दृष्टि से व्यक्त करना चाहता है, कभी तर्क या दृष्टांत के द्वारा किसी सामाजिक राजनीतिक विद्रूपताओं पर कटाक्ष करता है। शिक्षण से पहले निबंधकार की दृष्टि को जानना जरूरी है, तभी उसकी दृष्टि का खुलासा बच्चे बच्चियों के सामने कर पाएंगे। मतलब निबंध में विषय वस्तु और लेखक का जो नजरिया या दृष्टिकोण है, आपका कहना है कि वो महत्वपूर्ण है जी निबंध के लिए। जी, उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित वसंत भागेक के निबंध लोकगीत को देख सकते हैं। निबंध का शीर्षक है लोकगीत। इस निबंध में भगवत शरण उपाध्याय ने सहज, सरल और संवाद शैली में लोकगीतों की महत्ता को विश्लेषित किया। जी जी। लेखक का दृष्टिकोण और उनका व्यक्तित्व। हर आदमी दुनिया को अपने नजरिए से देखता है। एक ही विषय को दो रचनाकार अपनी अपनी दृष्टि से परखते हैं, इसलिए निबंध में व्यक्ति परकता या आत्म परकता अधिक झलकती है। जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दृष्टि भेद को आप आसानी से समझ सकते हैं। शुक्ल जी जहां परंपरावादी शास्त्रीय मान्यताओं आदि से बंधकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, वहीं द्विवेदी जी खिलंदड़ेपन के साथ मनमौजी तरीके से वंचित समाज और जीवन राग को अपने विचारों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। आप समझिए इस बात को। शुक्ल जी परंपरा प्रिय हैं, तो परंपराओं पर वे बातचीत करते हैं। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी इससे अलग लोक की तरफ जाते हैं, तो वो लोक की बातें करते हैं। तो और शास्त्र और लोक जब आमने सामने खड़े होते हैं, तो जहां रामचंद्र शुक्ल जी शास्त्र की तरफ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं लोक की तरफ खड़े हजार प्रसाद द्विवेदी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इस तरह का विभाजन करना उचित नहीं है, फिर भी रचनाओं से गुजरते हुए जो हम, लेकिन दोनों की भावभूमि को देखते हुए ऐसा जी जी, जी भास होता है कि परंपरा और लोक दोनों ही महत्वपूर्ण जी जी जी। आइए ऐसे दो उदाहरण देखते हैं, पहला रामविलास शर्मा का और दूसरा महादेवी वर्मा का। निबंध से उदाहरण लिया जा रहा है। पहला उदाहरण देखिए किस तरह से लिख रहे हैं रामविलास जी। चंद्रशेखर का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था।
उनकी राजनीतिक सूझबूझ, साथियों के प्रति उत्कट प्रेम, उनकी संगठन और नेतृत्व की क्षमता, हर संकट के समय अविचल सहज बुद्धि का चमत्कार, माहौर जी की माता से उनका स्नेहमय पुत्रवत व्यवहार, उनका अदम्य शौर्य और प्रखर साम्राज्यवादी चेतना, ये सब उनके अक्षय गुण हैं। ये आस्था और सौंदर्य नाम के निबंध से लिया गया है। प्रखर साम्राज्यवाद विरोधी चेतना की बातें यहाँ इन्होंने की जी। अब दूसरा उदाहरण लिखी देखिए, क्रांति युग की प्रवर्तिका है अवश्य, परंतु उसका कार्य प्रवाह को एक दिशा से रोककर दूसरी दिशा में ले जाने के समान है। इसी से उसे लिखा हुआ मिटाना पड़ता है और बसाया हुआ उजाड़ना पड़ता है। इसीलिए सुव्यवस्थित समाज विकास में रुक रुक कर अपने गंतव्य और दिशा की परीक्षा करना आवश्यक समझते हैं। बाढ़ से पहले बांध की उपयोगिता है। महादेवी जी श्रृंखला की कड़ियां, जो की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसमें परंपरा पर और परंपरा में आने वाले बदलाव पर लिख रही हैं। इन दोनों उदाहरणों के अंतर को हम लोग समझे। रामविलास शर्मा की भाषा सहज सरल और तद्भव बहुला है। महादेव वर्मा की भाषा सरल सहज तो है पर तत्सम बहुला है, साथ ही उसमें लचक भी है। महादेवी के पहले वाक्य है के बाद अवश्य का प्रयोग इसी लचक का उदाहरण है। आप जो मैंने श्रृंखला की कड़िया की पंक्ति उद्धृत की थी, उसमें जो पंक्ति थी उसी पर यह बात है कि वो है के बाद अवश्य का प्रयोग कर रही है। हम अभी निबंध की भाषा शैली के संदर्भ में लचक भरी भाषा का उदाहरण है। यह देखना दिलचस्प है कि दोनों निबंधकार क्रांति को समाज के लिए स्वीकार करते हैं, एक ही विषय पर है, बावजूद इसके दोनों में अंतर है। शर्मा जी जहां क्रांति की अनिवार्यता के पक्षधर हैं, वहीं महादेवी वर्मा क्रांति की वैकल्पिकता पर बात कर रही हैं। इसी तरह प्रत्येक निबंध की भाषा शैली और विचार में फर्क होता है, इसलिए आमतौर पर निबंध लेखक शिक्षिका को लेखकीय व्यक्तित्व से अवगत होना जरूरी है, अन्यथा वे विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। निरंजन जी, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि निबंध की भाषा शैली क्या है, भाषा और शैली के बारे में आप यदि हमें कुछ बताएं तो। जी, निबंध की भाषा शैली पर हम लोग बात करते हैं। भाषा शैली पदबंध में दो शब्द शामिल हैं। जी जी, भाषा और शैली। शैली जी, भाषा में कुछ इस प्रकार की बातें शामिल होती हैं, जैसे उसकी शब्दावली क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, देशज शब्दावली, उर्दू के शब्दों के प्रयोग की बहुलता, लंबे लंबे वाक्य, छोटे छोटे वाक्य, समास रहित समास सहित शब्दावली। इसी तरह शैली में आत्मपरकता की बात होती है, व्याख्यात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक शैली आदि की बात होती है। शिक्षक शिक्षिका को भाषा और शैली के इन विविध रूपों को जानना जरूरी है। यानी आपको यह जानना चाहिए शिक्षक या शिक्षिका को कि कौन सा निबंध आत्मपरक है, यानी जिसमें लेखक अपनी बात कह रहा है, कौन सा निबंध व्याख्यात्मक है जिसमें अपने आसपास की व्याख्या की जा रही है या किसी भी विषय की व्याख्या की जा रही है, कौन सा निबंध चित्रात्मक है यानी उसमें दृश्य उभर रहे हैं, कौन सा निबंध भावात्मक है यानी उसमें भावनाओं का चित्रण है, कौन सा निबंध मनोविश्लेषणात्मक है यानी मन की बातें जिसमें इलाचंद जोशी जैसे लिखते थे, जैसे अज्ञेय लिखते थे, मनोविश्लेषणात्मक है या व्यंग्यात्मक, हरिशंकर प्रसाई जैसे उदाहरण लिए जा सकते हैं, या और भी व्यंग्यकार जो हैं, परसाई जी तो बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं, तो शरद जोशी जी पर सवार इल्लियां उनकी एक महत्वपूर्ण व्यंग की किताब है, वैष्णव की फिसलन परसाई जी की किताब है। ये निबंधों की ये जो किताबें हैं उस वो क्या है, वे व्यंग्य परक शैली में लिखी गई हैं। यानी शिक्षक शिक्षिका को विषय वस्तु से गुजरते समय इस बात पर अपनी समझ बना लेनी चाहिए कि वह किस तरह के निबंधों से परिचित हो रहा है, यानी उसमें आत्मपरकता है या व्याख्यात्मक है वो, या चित्रात्मक है वो, या भावात्मक है, या मनोविश्लेषणात्मक है, या व्यंग्यात्मक है। हम शिक्षकों को यह जानना इसलिए भी जरूरी है निबंध की भाषा और शैली को, ताकि हम उसके आधार पर अपनी कक्षाई गतिविधियों का या कक्षाई रणनीतियों का निर्धारण कर सकें। जी, यदि हम निबंध की भाषा और शैली से परिचित हैं, वाकिफ हैं, तो कक्षा के भीतर जब हम उसके अध्यापन के लिए रणनीतियाँ बनाते हैं
तो विविध रूप जो हैं निबंध के, उनके आधार पर हम अपनी शैक्षिक रणनीतियाँ भी अलग अलग बना सकते हैं। जी, जी। आप जो चर्चा कर रहे हैं वह इसलिए हमारे लिए लाभदायक और लाभप्रद है कि यह हमारे कक्षाई रणनीतियों को या गतिविधियों को प्रभावित करने वाला है। जी जी। और एक बात और है, भाषा विश्लेषण का सबसे अधिक कार्य इसी विधा के शिक्षण में किया जाता है। जी जी। इसलिए शिक्षक शिक्षिका को इस कार्य में दक्ष होना बहुत जरूरी है। हिंदी के कुछ रचनाकार अपनी विशिष्ट निबंध शैली के लिए जाने जाते हैं, जैसे अजय रामचंद्र शुक्ल का नाम लिया जाए तो वे सूत्र शैली के निबंधकार हैं। सूत्र शैली का मतलब यह हुआ, सूत्र शैली का मतलब कि बहुत सारी बातों को इकट्ठा करके आपने एक सूत्र दे दिया। जैसे संस्कृत के सूत्र होते हैं, आप उनको जी उनकी व्याख्या करके समझते हैं कि इस सूत्र में क्या है, या हमारे गणित विज्ञान के जो सूत्र हैं जिनमें जैसे अलग अलग चिन्ह जो हैं वो अलग अलग संदेश के एक तरह से वाहक हैं। जी। हमारे जो गणित के जितने भी सूत्र हैं वो भी इसी तरह के हैं। तो ये जो सूत्र शैली है वो बड़ी बड़ी बातों को कुछ कम शब्दों में और संकेत के रूप में कह देने की बात है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के इतिहास में इस लिहाज से बहुत प्रतिष्ठित नाम है कि वे सूत्र शैली में अपनी बात कहते हैं। सूत्र शैली के निबंध के लिहाज से उनका एक मशहूर निबंध है कविता क्या है, जिसमें वे कह रहे हैं कि कविता में अर्थ ग्रहण से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। अच्छा। यानी कि वे कविता जैसे द्रुह विषय पर लिखते हुए एक वाक्य में अपनी बात कहने में सफल होते हैं कि किस रचना को हम कविता माने, जिसमें सिर्फ अर्थ है वह कविता नहीं है, जहां बिंब है वह कविता है। तो सूत्र में उन्होंने कविता को समझने की एक बहुत बड़ी बात कह दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आत्मपरक शैली के बड़े निबंधकार हैं। उनका बहुत सारे शिरीष के फूल निबंध को याद कर सकते हैं। उनके निबंधों में एक जीवन राग की बात होती है और यह जीवन राग उनके जीवन से आया था। तो वे आत्मपरक शैली यानी खुद को उसमें प्रकट करते हुए, खुद के नज़रिए से दुनिया को देखते हुए अपनी बात कहते हैं। श्याम सुंदर दास जो हैं वो व्यास शैली में लिखते थे। नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी शैली में लिखते थे। सौष्ठववादी का मतलब हुआ सौंदर्य मूलक शैली में लिखते थे। श्याम सुंदर दास जी व्यास शैली यानी विस्तार देते हुए जी जी चीजों को, हाँ, समास शैली चीजों को इकट्ठा करती या सूत्र शैली इकट्ठा करती, व्यास शैली उन चीजों को खोलती है। जी जी। तो शैली की विविधता, व्यंजकता, लाक्षणिकता आदि के आधार स्तंभ तो शब्द ही हैं, और शब्द भी सार्थक तब है जब उन्हें लहजे विशेष में अव्यक्त किया जाए। तेरा पानी मर गया में पानी एक विशेष प्रसंग या स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसकी अर्थ गरिमा बढ़ गई है। शैली प्रयोग के कारण ही इस पानी शब्द की ताकत बढ़ी है। शैली और भाषा के अन्योनाश्रित संबंध की शक्ति से परिचित होना शिक्षक शिक्षिका के लिए जरूरी है। अब हम लोग इस बात पर भी चर्चा करें कि निबंध शैली से कौन सी उपलब्धियां अर्जित करने में हम सफल होते हैं। तो इससे बच्चों में आदर्श वाचन की कुशलता विकसित होती है, जिसमें शुद्धता, यति, गति, आरोह, अवरोह, भाव, भंगिमा आदि के प्रयोग शामिल है। अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पाठ की बात भी इसमें शामिल है। विषय वस्तु का केंद्रीय बोध ग्रहण इसमें किया जाए यह भी शामिल है। बच्चे बच्चियों में विषय विमर्श की कुशलता विकसित की जाए, शब्द भंडार में वृद्धि हो, ये सभी निबंध अध्यापन के दरमियान अर्जित की जाने वाली उपलब्धियां हैं। जी जी। भाषा की लाक्षणिकता, व्यंजकता आदि की समझ विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। लोकोक्तियों, मुहावरों, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आदि की समझ एवं नवप्रयोग की कुशलता विकसित करना जरूरी है। ये निबंध के सोपान के रूप में भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। यानी निबंध अध्यापन के समय जो हम किन किन सोपानों से गुजरते हैं उसमें विषय वस्तु को समझना जरूरी है, उसकी शैली को समझना जरूरी है कि वह सूत्र शैली में है या व्यास शैली जी, में जी, है, उसमें आत्मपरकता है या सौष्ठववादी बातें हैं, इस बात को समझना जरूरी है। हिंदी के बहुत सारे निबंधकारों के उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन
जो ये चरण होते हैं, यानी एक कुशल अध्यापक अध्यापिका जब इन विषयों पर बातचीत करते हैं, तो एक बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि निबंध शिक्षण के समय इन सारी बातों के अलावा एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो बेहतरीन निबंध लेखक है उसमें अपनी छाप जरूर होती है, व्यक्तिकता होती है। दूसरी बात यह है कि निबंध में विषय वस्तु से संबंधित जानकारी हासिल की जाए, यह जानकारी पाठ के अध्यापन को रोचक बनाने में सहायक होगी। इन विशेषताओं के आलोक में महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह एक निबंध है जो शामिल है एनसीईआरटी की नवी कक्षा की किताब में जी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक दौर में जिन उन नायकों ने भाषा की प्रकृति पर विचार किया या उसका निर्धारण किया, उनमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सर्वोपरि है। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक जो हमने जानकारी हासिल की है उसके माध्यम से कैसे हम किसी निबंध को समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, यानी द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नवजागरणकालीन मूल्यों को मजबूत संबल प्रदान किया। उदाहरण के लिए उन्होंने इस निबंध में इस सड़ी गली मान्यता को खारिज किया कि स्त्रियां शिक्षा की हकदार नहीं होती। अध्यापन करते समय इन तथ्यों के आलोक में निबंध की दुनिया से परिचय विकसित किया जा सकता है। द्विवेदी जी के लेखन में प्रयत्न पूर्वक भावुकता से बचने की कोशिश होती है। आप निबंध लिखते हैं तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि आप भावुकता में बह जाएं। निबंध लेखन आपको एक जगे हुए मनुष्य की तरह लिखना पड़ता है, उसमें भावुकता के लिए जगह नहीं है। संवेदनशीलता के लिए जगह है, भावुकता के लिए जगह नहीं है। द्विवेदी जी ने उस निबंध में ध्यान रखा इस बात का। इस निबंध में भी, यानी प्रयत्न पूर्वक भावुकता से बचने की कोशिश, इस निबंध में भी उनकी यह विशेषता नजर आती है। इसी तरह वे तर्क के आलोक में अपनी बात को मुखर ढंग से प्रकट करते हैं। निबंध के साक्ष्य पर इसे बखूबी समझा जा सकता है। अब जिनकी चर्चा और जी, निबंध अध्ययन के जो विभिन्न सोपान हैं जी, जिन पर आप अभी चर्चा करने वाले हैं जी। अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत की उसमें एक नज़र थोड़ी ठहर कर बातचीत हम लोग एक नज़र डाल लें कि हम लोगों ने समझा निबंध क्या है, हम लोगों ने समझा निबंध की शैली क्या है, हम लोगों ने समझा निबंध की भाषा पर हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। हमने यह भी जाना कि निबंध पढ़ने से, निबंध से गुजरने से हम आखिर क्या हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल, निबंध और लेख का के फर्क को एक बार फिर से स्मरण किया, उनके अंतर को का स्मरण भी किया। जी। तो अब हम इस बात पर खास विचार करने जा रहे हैं जी, कि निबंध कोई अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाने जाता है तो उसे क्या क्या, कौन से सोपान अपने अध्यापन, मतलब निबंध अध्यापन के जो विभिन्न सोपान हैं जी। तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना है, फिर मौन पठन है, फिर बोध प्रश्न है, फिर भाषा अध्ययन है, फिर विषय वस्तु बोध एवं विचार विश्लेषण है, आदर्श पाठन है, अनुकरण पाठ है, और अंत में मूल्यांकन है। और ये वे बिंदु हैं जिनके आधार पर वास्तव में हम लोग निबंध का मूल्यांकन भी करते हैं, इन्हीं सोपानों के आधार पर। जब आप नई पद्धति देखेंगे जिसमें परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और अंक प्रदान किए जा रहे हैं, तो इन सभी सोपानों के लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। अनेक बार यह सवाल उठता है कि शिक्षण मौन पठन से शुरू हो या आदर्श पाठ से। वैसे भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य बच्चे बच्चियों को स्वाध्याय की ओर अग्रसर करना है। इस नाते उन्हें उच्च प्राथमिक कक्षाओं से ही मौन पठन की आदत उनमें डालना जरूरी है। वैसे यह निबंध की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगर निबंध की विषय वस्तु एवं भाषा शैली दुरूह है तो फिर शुरुआत में मौन पठन करवाया जाना ज्यादा कारगर नहीं है। इस संबंध में इग्नू द्वारा निर्मित निबंध अध्यापन पर आधारित पाठ का यह अंश उद्धृत करने योग्य है। निबंध शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तथ्यों, भावों और विचारों को ग्रहण करना है जो मौन पठन द्वारा अधिक संभव है, सस्वर पठन द्वारा नहीं। मौन पठन के समय हमारा ध्यान केंद्रित और एकाग्र रहता है। गहन विचारों को समझने, समझाने और आत्मसात करने में मौन पठन ही उपयोगी होता है। अतः शिक्षार्थियों को मौन पठन का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। निबंध के अध्यापन के सिलसिले में जुड़ी उल्लिखित सारी बातों को समझने के साथ साथ यह समझना भी जरूरी है कि प्रत्येक शिक्षक या शिक्षिका की निजी विशेषताएं होती हैं, ठीक उसी तरह कक्षा की स्थितियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। अध्यापन के सिलसिले में
इनका ध्यान रखा जाना भी ज़रूरी है। तो निबंध लेखन से संबंधित ये तमाम बातें जिन पर हम लोगों ने बातचीत की, उससे निबंध अध्यापन में हम लोगों को सहूलियत हो सकती है। निबंध अध्यापन के सिलसिले में इन सभी बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए, और आप सभी शिक्षार्थियों का भी आभार और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।